नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। आप देख रहे हैं INS न्यूज प्लस। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प पर एक्शन में आई मोदी सरकार। पीएम मोदी ने 19 जून को बुलाई सर्वदलीय बैठक। भारत चीन के बीच हुई झड़प के बाद से लोगों में आक्रोश। चाइनीज सामानों का बहिष्कार करने की मांग। मेड इन चाइना के खिलाफ है देश के लोग। योगी सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में किया संशोधन। यूपी में चालान हुआ महंगा। बिना हेलमेट बाइक चलाने पर 1000 का जुर्माना। भारत और चाइना के बीच हुई गलवान घाटी में झड़प के बाद मोदी सरकार अब एक्शन में आ गई है और 19 जून को 5 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक के दौरान भारत और चीन की सीमा विवाद पर चर्चा की जाएगी। लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प पर मोदी सरकार एक्शन में आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में अलग अलग पार्टियों के अध्यक्ष शामिल होंगे। इस बैठक में भारत चीन के बीच सीमा विवाद पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से बुधवार को किए गए ट्वीट में कहा गया, भारत चीन सीमा क्षेत्रों में स्थिति पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। विभिन्न राजनीतिक दलों के अध्यक्ष इस वर्चुअल बैठक में हिस्सा लेंगे। गौरतलब है कि 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। इसके बाद साल 1975 में LAC पर फायरिंग हुई थी, जिसमें 4 भारतीय जवान शहीद हुए थे। इसके बाद से LAC पर कोई हिंसक झड़प नहीं हुई थी। अब लगभग 45 साल बाद LAC पर फिर भारत चीन के सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई है, जिसके बाद से पूरा देश आक्रोशित है। सोमवार रात जिस तरह से भारत और चीन के बीच काफी झड़प हुई और इसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए, उसके बाद से जहां देश के लोगों में गुस्सा है, तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी से ट्वीट कर कई सवाल किए हैं। आप ये रिपोर्ट देखें। चीन सीमा पर भारत के 20 जवान शहीद होने के बाद देश भर में रोष है। भारत और चीन के बीच लद्दाख में लगातार बढ़ते तनाव को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि बस अब बहुत हुआ, हमें सच जानना है कि आखिर क्या हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर चुप क्यों हैं? 2 दिन पहले हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए, उनको उनके परिवारों से छीना गया। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? आप बाहर आइए, पूरा देश, हम सब आपके साथ खड़े हैं, एक साथ खड़ा हुआ है आपके साथ देश। बाहर आइए, देश को सच्चाई बताइए, डरिए मत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि आखिर चीन ने हमारे सैनिकों को मार कैसे दिया, उनकी हिम्मत कैसे हुई कि चीन ने हमारी जमीन को हड़प लिया। आपको बता दें कि गलवान घाटी के पास दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए, जिसमें कमांडिंग ऑफिसर भी शामिल हैं। दूसरी ओर चीन को भी भारी नुकसान हुआ है। तो वहीं भारत और चीन के बीच इस विवाद के बाद से देश भर के लोगों में आक्रोश है। देश भर में लोगों की तरफ से चीन के सामान का बहिष्कार करने की मांग लगातार उठाई जा रही है। गलवान घाटी में भारत और चाइना के बीच हुई झड़प के बाद से देश भर में आक्रोश है, जहां बुधवार को चाइनीज एम्बेसी के बाहर लोगों ने प्रदर्शन कर अपना आक्रोश जताया, तो वहीं लगातार चाइनीज सामान का बहिष्कार करने पर भी जोर दिया जा रहा है। बुधवार को दिल्ली के कनॉट प्लेस में आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स ने चाइनीज सामान का बहिष्कार करने का संदेश दिया। आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स हाथों में तख्ती लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। देखिए, पिछले 3 महीने पहले जो कोरोना की महामारी आई, इसका जनक वुहान शहर चाइना से आया। जिस तरह से चाइना ने पूरे विश्व को अंधेरे में रखा और जिस तरह से बीमारी को छिपाए रखा, दूसरा आए दिन चाइना सरहद पे हमारे साथ बदमाशी करता है। कल भी वहाँ पे हमारे काफ़ी सैनिक शहीद हुए हैं। तो अगर चाइना को सबक सिखाना है तो चाइना की इकोनॉमी को कमजोर करना बहुत जरूरी है। वहीं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के सेक्रेटरी जनरल ने भी चाइनीज सामान के बहिष्कार की बात कही। चाइना ने जिस प्रकार से हिंदुस्तानी फौजों के ऊपर जो नापाक हमला किया है, उसको लेकर के पूरे देश के व्यापारियों में और देश के नागरिकों में बहुत जबरदस्त रोष और आक्रोश है। और अब वो समय आ गया है
जब हमें चाइना को सबक सिखाना है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने चीनी उत्पादों के बहिष्कार का एक राष्ट्रव्यापी अभियान भारतीय सामान मेरा अभिमान करके पूरे देश में चलाया है। फिलहाल चाइनीज सामानों का बायकॉट करने की जनता मांग कर रही है। अब देखने वाली बात यह है कि इसका देश भर में क्या असर होता है। भारत और चाइना की झड़प के बाद जहां देश भर में लोग आक्रोशित हैं और चाइना एम्बेसी के बाहर बुधवार को स्वदेशी जागरण मंच और पूर्व सैनिकों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने चाइना के सामान के बायकॉट के नारे भी लगाए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। चीन के खिलाफ भारत में खासा आक्रोश दिख रहा है। अपने करतूतों से बाज न आने वाले चीन ने सीमा पर तैनात भारतीय जवानों पर हमला कर दिया, जिसमें 20 जवान शहीद हो गए। जवाबी कार्रवाई में चीन को भी भारी नुकसान हुआ है। अब देश भर में लोग सड़क पर उतरकर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में चीनी दूतावास के बाहर जमकर प्रदर्शन किया गया। गुस्साए लोगों ने बुधवार को देश भर में विरोध प्रदर्शन किया और चीनी सामानों पर जमकर अपना गुस्सा निकाला। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के हाथ में चीनी राष्ट्रपति का फोटो भी दिखा और फोटो पर क्रॉस का निशान था और खूब नारेबाजी भी की। हालांकि चीन के दूतावास के बाहर बुधवार को प्रदर्शन कर रहे आर्मी के कुछ सदस्यों और स्वदेशी जागरण मंच के सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और प्रदर्शनकारियों को बस में भरकर वहां से ले जाया गया। अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं और आपने यातायात के नियमों का ठीक तरीके से पालन नहीं किया है या फिर यातायात के नियम तोड़े हैं तो आपको दोगुना जुर्माना भरना पड़ेगा, क्योंकि योगी सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किए हैं। ये पूरी रिपोर्ट देखें। उत्तर प्रदेश में अब यातायात के नियमों का पालन नहीं करने पर ज्यादा जुर्माना भरना पड़ेगा। योगी सरकार द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन के बाद अब बिना हेलमेट बाइक स्कूटी स्कूटर चलाते हुए पकड़े जाने पर दोगुना जुर्माना देना होगा, यानी आपको 500 की जगह 1000 रुपए देने होंगे। वहीं बाइक और कार चलाते वक्त मोबाइल पर बात करना भी आपको महंगा पड़ेगा। ये हुए हैं बदलाव। गलत पार्किंग पर पहली बार 500 रुपए, दूसरी बार 1500 रुपए जुर्माना। बिना हेलमेट निकल जाने पर अब 1000 का जुर्माना होगा। फायर एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देने पर 10000 का जुर्माना। अधिकारी के काम में बाधा डालने पर अब 2000 का जुर्माना। ड्राइविंग लाइसेंस गलत तथ्य पर बनवाने पर अब 10000 का जुर्माना। गलत ढंग से मॉडिफाई करवाकर गाड़ी बेचने पर 1,00,000 जुर्माना। ये सभी फैसले मंगलवार को हुई योगी कैबिनेट के बैठक में लिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 15 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसमें प्रमुख रूप से योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 के अंतर्गत 2 धाराओं में संशोधन किया है। इसके तहत कई तरह के जुर्माने या चालान की राशि में इजाफा कर दिया गया है। इसी के साथ INS News Plus की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।